गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन अभी तक प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपने प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में अपन ने साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल पढ़ा और आज अपन डिस्कस करेंगे टेंजेंट रूल। नेक्स्ट रूल है टेंजेंट रूल। साइन रूल में आपने पढ़ा कि इन एनी ट्राइंगल ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। इन कोसाइन रूल when all the sides of triangle are given then we get any angle of the triangle by cosine rule। cos a ka formula b square plus c square minus a square upon 2bc। aur kal jo latest aapne padha wo projection rule aur wahan pe kisi particular side ko aap बाकी रिमेनिंग दो साइड और उन रिमेनिंग साइड के अपोजिट एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं। स्मॉल ए को आपने बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी लिखा था और इनको आप क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करके बताया। तो तीन रूल अभी तक अपने पास इकट्ठा हो गए हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। आप में से किसी बच्चे को इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। साइन रूल में, कोसाइन रूल में या टेंजेंट रूल में कोई क्वेरी आपको है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई डाउट no, है क्वेरी में? चलिए बहुत बढ़िया। और नाउ वी मूविंग ऑन टू our next rule which is the tangent rule। so fourth one is our tangent rule। sin cos 10, तो अब 10 भी आपके सामने आ गया कि किसी ट्राइंगल में टेंजेंट रूल क्या होगा। तो देखिए इन एनी ट्राइंगल, in any triangle ABC, tangent rule आपका ये बोलता है कि tan of B minus C upon 2, इसके लिए formula होता है B minus C upon B plus C और into cot A by 2, cot A by 2। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर टेन बी माइनस सी बाई। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, केवल यही एक फॉर्मूला है जिसमें एंगल, दो एंगल का सब्ट्रैक्शन आता है बी माइनस सी। बाकी कहीं भी ना तो साइन रूल में आपने देखा, ना कोसाइन रूल में आपने देखा, ना प्रोजेक्शन रूल में आपने देखा और ना आगे कभी देखोगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन देख के ये कैसे जज करेंगे कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेंजेंट रूल ही लगानी है। तो ये एक आपको बहुत बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं कि जब भी दो एंगल का डिफरेंस क्वेश्चन में आपको दिया हो, बी माइनस सी ऐसा कहीं दिखे, सी माइनस ए या ए माइनस बी ऐसा कहीं पर दिखे, तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। ये टेंजेंट रूल है। मैं आपको अभी इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहा हूं। एक अपन वेरीफाई कर लेते हैं और बाय दी सिमेट्री इसके जो रिमेनिंग दो फॉर्मूले हैं वो फिर अपन आसानी से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हियर वी फोकस्ड ऑन वेरिफिकेशन ऑफ दिस कि हाउ टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला, इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे। तो टू वेरीफाई दिस, इसका वेरिफिकेशन में अपन राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचूंगा।
क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा कुछ हमारे पास है करने के लिए, ठीक है। बड़ी बात को छोटी बात में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। पेंसिल है, बड़ी सी है, बीच में से तोड़ दो छोटी हो जाएगी, लेकिन दो छोटी छोटी दूं तो आपको जोड़ना पड़ेगा, फेविकॉल लाना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का नाटक। तो इसलिए कभी भी मैथ्स में याद रखें, बड़ा एक्सप्रेशन दिया है उसको छोटे में आप बड़े इजीली कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन छोटी बात से बड़े में पहुंचने के लिए उसमें कुछ अपने तरफ से ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, वो सोचना एक बड़ा कठिन काम है, ठीक है। हर बारी क्लिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हियर वी टेक द राइट हैंड साइड और मैं राइट हैंड साइड से फिर लेफ्ट हैंड साइड पर कूद जाऊंगा। तो देखिए, टू वेरीफाई दिस वी टेक इट्स राइट हैंड साइड विच इज बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट इंटू में कॉट ए बाई टू। अब अपन यहां पर लगाते हैं साइन रूल अपना। देखिए पिछले रूल जो भी हैं वो रूल लगा लगा के अपन इनको वेरीफाई करेंगे। तो पहले मैं पढ़ चुका हूं साइन रूल में, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल एंड बाय दिस रूल मैं बी की जगह पर के साइन बी लिख सकता हूं, सी की जगह पर के साइन सी लिख सकता हूं, नीचे भी बी की जगह पर के साइन बी लिख सकता हूं और सी की जगह पर के साइन सी लिख सकता हूं। तो ये हर जगह से के ऊपर नीचे कट जाएगा, तो वो के मैंने हटा ही लिया पहले ही। और उसके बाद आप देखें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन रूल लगाया और राइट हैंड साइड में इनटू कॉट ए बाई टू को अपन लिख सकते हैं, कॉट होता है कॉस बटा साइन, कॉस बाई साइन लिख लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ हियर वी यूज सीडी फॉर्मूला, जो कि आपको नहीं पता होगा, याद नहीं होगा, याद है जिनको सीडी फॉर्मूला याद है? आप में से कोई है जो बता सकते सीडी फॉर्मूला? मैं कुछ पूछूं तो एनी ऑफ यू है कोई शक्तिमान यहाँ पे? सर साहिल साहू लगाना चाह रहे हैं जोर, और किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, सबके हिले हुए पड़े हैं कॉन्फिडेंस। चलिए लगी पड़ी है सबकी बहुत जम के, पढ़ाई लिखाई से कोसों तक अपना नाता नहीं है, दूर दूर तक। कौशिक बताइए फॉर्मूला कहाँ है? कौशिक चुपचाप बैठे हो, एनडीए yes, करना sir. है रामदास बताइए, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला? कॉस सी माइनस कॉस डी, यस कॉस सी माइनस कॉस डी करो, कॉस डी माइनस कॉस सी है ना। सर माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके अनुराग खरे जरा लाइन पर आए, खरे अनुराग सर मैं बोलू, खरे अनुराग, खरे अनुराग, खरे अनुराग सर मैं बोलू क्या? बनियान वाले खरे अनुराग लाइन पर आए, अरे आवाज आ रहा है अनुराग सर? सर अरे रुक जाना भाई, सर सर मत कर, अनुराग खरे चालू करके सो गया है, अनुराग खरे नींद ही आ गया। अभिषेक कड़ू आइए लाइन पर, सर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ना? नहीं तुम बताओ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। यस सर दो मिनट, अबे देख के बता रहा है क्या? नो सर, फॉर्मूला तो लर्न होना चाहिए, देखने की थोड़ी गरज पड़ती है। लिख के रखा तुमने बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको देख के नहीं पढ़ना, उसको याद रखना है। यस सर अभी याद करते, सर लिख के रखा है सर मैंने, अभी याद करूंगा। चलो ठीक, तो सभी लोग अपना जो फॉर्मूला का कॉपी आपने बनाया उसमें जाके देखिए साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस कॉस सी प्लस सी प्लस डी बाई टू और इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है। आप देखिएगा
और नीचे जब साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूले। और इसको तो अपन ने हाथ भी नहीं लगाया, इसको ऐसा रखा। और एक बार आप ऐसा कर लो देन यू गेट योर रिजल्ट, अब कुछ बचा ही नहीं दम इसमें, सारी दम मैंने इसकी निकाल दी। देखो क्या हुआ, हुआ ये कि आपका सबसे पहले ये टू से टू कट जाएगा, और उसके बाद आप ये भी जानते हो कि अपन ये सब ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो साइन बी प्लस सी बाई टू होता है, ये साइन बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर होता है, कॉस ए बाई टू, ए बाई टू। तो ये जो साइन बी प्लस सी बाई टू है कॉस ए बाई टू से कट जाएगा, और ऐसे ही कॉस बी प्लस सी बाई टू किससे कट जाएगा, साइन ए बाई टू से। बचा क्या आपके, बचा है अब आपके पास इसके बाद का अगला स्टेप, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा साइन बी माइनस सी बाई टू और डिनोमिनेटर में बचा कॉस बी माइनस सी बाई टू, और साइन बाई कॉस को आप क्या लिख सकते हो, टेन। ये आ गया देखो आपका राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, टेन बी माइनस सी बाई टू। तो ये है सॉल्यूशन के स्टेप्स, वेरिफिकेशन के स्टेप्स। सबसे पहले क्या किया एक बार और देखें, फर्स्ट हियर वी टेक द राइट हैंड साइड, उसके बाद यहाँ पे साइन रूल लगाया, साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी, सी डी फॉर्मूला लगाया, साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, कट जाता है, कटने के बाद जो बचता है वो लेफ्ट हैंड साइड। बस नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए इसका, ये अपना फॉर्मूला वेरिफिकेशन है। फॉर्मूला वेरिफिकेशन से इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला आप याद रखो। अब बोलो सर, मुझे एक क्वेरी है। हाँ बोलिए, क्या क्वेरी है सर? वो कॉस बी प्लस सी बाय टू साइन ए बाय टू कैसे? तुमने तो बोला था ये बाई टू, जोर से बोला था तुमने, तो आवाज। हाँ सर, ए बाय टू बोला था, लेकिन वो कॉस साइन वो नहीं समझा। आज तुम्हारी, तुम पूरे साहिल ही रहोगे। देखो, देख रहे हो साहिल? हाँ सर। हाँ, तो ये जो अपन ने कॉस बी प्लस सी बाई टू लिया, ये लिया देखो, कॉस बी प्लस सी बाई टू। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं, और ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है साहिल, 180 होता है। तो मैं क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? नो सर। ठीक है, अभी इसको इतना लिख दिया तो भी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, चलेगा क्या? अरे हाँ ना, तो बोलते जा। हाँ सर। अभी कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साहिल? साइन, साइन 90, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अभी समझ गया? यस सर, समझ। चलो मारो इसका स्क्रीनशॉट। तो ये अपना राइट, सॉरी ये अपना किसी भी ट्राइंगल में टेंजेंट रूल कहलाता है, इसको अपन टेंजेंट रूल बोलेंगे। ऑल्सो इट इज नोन एज नेपियर्स एनालॉगी, टेंजेंट रूल भी बोलते हैं, नेपियर्स एनालॉगी भी बोलते हैं, क्योंकि अपन साइन कॉस ऐसा पढ़ रहे हैं तो अपन टेन बोल दिए इसको। टेन आया इसमें तो टेन, साइन रूल में साइन साइन आता है हर जगह, कोसाइन रूल में कॉस आया, टेंजेंट टूल में टेन आया। तो देखिए टेंजेंट टूल, टेन बी माइनस सी बाई टू बराबर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। ये अपना पहला फॉर्मूला वेरिफिकेशन हो गया, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसके बाकी जो रिमेनिंग दो फॉर्मूले हैं विद दी सिमेट्री मैं लिख रहा हूं, ठीक है? ये फॉर्मूला वेरिफिकेशन अब मैं हटा देता हूं, और विद दी हेल्प ऑफ दिस बिल्कुल इसको देखते हुए, भाई कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें b माइनस सी बाई टू आता है, तो आपको बोला मैंने
कि क्वेश्चन में कभी भी बी माइनस सी दिखे तो बिल्कुल पहचान जाइएगा कि हमने ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूला है पूरी प्रॉपर्टीज में जिसमें बी माइनस सी आता है। अब जरूरी नहीं है बी माइनस सी, दो एंगल का डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है बी माइनस सी दें, आपको सी माइनस ए भी तो दे सकते हैं या ए माइनस बी भी तो दे सकते हैं। तो मैं इसको देखते हुए बाकी दो फॉर्मूले अब लिख रहा हूं। सेकंड क्या हो जाएगा कि टेन सी माइनस ए बाई टू को आप कितना लिखेंगे, बिल्कुल सेम मिला के बी की जगह सी लिखा, सी की जगह ए लिखा, तो यहां पर कितना आता सी माइनस ए और सी प्लस ए, और कॉट के साथ एंगल कौन सा आएगा, बी बाई आएगा। वेरी गुड, मतलब एक याद कर लोगे तो बाकी दो याद रखने में कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ये देखो अभी आप तीसरा वाला टेन ए माइनस बी बाई टू, आयुषी जरा बताओ टेन ए माइनस बी बाई टू कितना होगा, आयुषी पाटिल। हाँ सर, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इनटू कॉट सी बाई टू। चलो धन्यवाद आयुषी। ये है तीन फॉर्मूले, दीज आर नोन एज दी टेंजेंट रूल। जैसे अपन ने पहले वाले को वेरीफाई किया वैसे अपन सेकेंड और थर्ड को भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला इसको अपन टेंजेंट रूल या फिर ऑल्सो नोन एज नेपियर्स एनालॉगी, ऐसा भी नाम दिया गया है इसको। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट मारें, इसमें टेंजेंट टूल के तीनों फॉर्मूले लिखे हैं और अब अपन इस बात पे डिस्कशन करेंगे जो अपन ने अभी तक रूल पढ़े, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन रूल। चार अपने पास रूल हो गए हैं, इन चारों रूलों को मिलाकर अपन अब कुछ ओवरऑल कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये जजमेंट आपने करना है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप साइन रूल लगाएं कि कोसाइन रूल लगाएं कि टेंजेंट लगाएं या फिर प्रोजेक्शन रूल लगाएं, ये आपने पहचानना है, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं आता कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर रूल, तो आपको प्रैक्टिस इतनी बढ़ानी है, आपको ये जज करना है कि ये क्वेश्चन साइन रूल से सही आएगा या कोसाइन रूल से जल्दी हो जाएगा या इसमें मैं टेंजेंट रूल लगाऊं या फिर प्रोजेक्शन रूल लगाऊं, ठीक है। तो ये चारों जो रूल अपन ने एक दो दिन में पढ़े हैं अभी रिसेंटली, इनको चारों को आपने जो लिखा होगा अपने सामने रखिए, जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला देखिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए और फिर बताइए कि आंसर क्या होगा। सवाल आपने करना है, ठीक है, एक एक करके अपन उस पर बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इसका। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सम, तो लिखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किसमें कितना है दम। आप आंसर करोगे ना तो आपको भी खुशी होगी, आपसे ज्यादा मेरे को खुशी होगी और अपन दोनों से ज्यादा आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। तो क्वेश्चन नंबर वन, प्रश्न क्रमांक एक, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर ए सी हो
तो आपको ये बताना है कि एंगल बी ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा। आपके ऑप्शन है क्या ये पाई बाई सिक्स होगा, पाई बाई थ्री होगा, पाई बाई फोर होगा, या फिर ऐसा तो कुछ भी आता ही नहीं ऐसा होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। सोचिए, पहचानिए कौन सा रूल लगाएं, अपने आंसर को प्राइवेटली करें, और मैं टाइमिंग देख रहा हूं कि आप कितना समय ले रहे हो। ओके, कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड। एनडीए करना है कौशिक को, रामदास पेट ब्रांच से हैं और कौशिक करेक्ट। तो अभी रामदास पेट ब्रांच जो है वो सबसे आगे चल रहा है आंसर देने के मामले में। आयुषी पाटिल जेईई इंदौरा ब्रांच से करेक्ट हैं, वेरी गुड। हर्ष अंबारते जेईई इंदौरा ब्रांच से करेक्ट, वेरी गुड। तो नाउ अब इंदौरा आपका आगे हो गया। अभिषेक कड़ू, अभिषेक कड़ू नीट इंदौरा करेक्ट। पूर्वा बेटा चेक करो, रॉन्ग है ये। पूर्वा कुंभलवार चेक योर आंसर। जीशान कुरैशी चेक योर आंसर। पूर्वा करेक्ट है, पूर्वा जेई कर रहे हैं मानकापुर ब्रांच से, सेकेंड टाइम आंसर किया और अभी करेक्ट है। चलिए, आई होप अब नहीं आएगा बच्चों का आंसर, जिनका आना था आ गया। लास्ट आंसर पूर्वा कुंभलवार ने किया और करेक्ट है। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जिनका नहीं आया वो देख लीजिए, जो गलत हो गए वो भी देख लीजिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाइए, विद इन टाइम लिमिट आपने सॉल्व करना है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई बाई थ्री, 60 डिग्री करेक्ट है। और देखें अभी सॉल्यूशन, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें इस तरीके की टर्म आती है, सारा कुछ साइड 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 के टर्म्स में है, एकदम क्लिक होना चाहिए। अरे यार ये तो कोसाइन रूल है, साइन रूल में साइन और मतलब साइड और एंगल दोनों आता है, प्रोजेक्शन रूल में भी साइड और एंगल दोनों आता है, टेंजेंट रूल में तो बी और माइनस सी टाइप है। तो ये बच्चा आपका केवल साइड 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 के टर्म्स में आपका कोसाइन रूल है, इसलिए आपको एकदम ध्यान में आना चाहिए था कौन सी साइड सब्ट्रैक्ट हो रही है, बी। तो यदि आप कॉस बी का फॉर्मूला देखें तो कोसाइन रूल से दी फॉर्मूला फॉर कॉस बी ये होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ये कॉस बी होता है।
अब आपको क्वेश्चन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना दिया है, ए सी दिया है, तो मैं इसकी जगह पर ए सी लिख लेता हूँ। तो ये ए सी अपॉन टू ए सी हो गया, मतलब कितना, वन बाई टू, वन बाई टू होता है कितना, कॉस 30, तो एंगल बी कितना आ गया 30 डिग्री। छापो इसको, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, जिन बच्चों ने विदिन टाइम लिमिट आंसर किया बधाई हो उनको, जिनका नहीं आया कीप प्रैक्टिसिंग, कोशिश करते रहें, हार ना माने, जीत कभी ना कभी जरूर मिलेगी। इसी तरीके से कौशिक को पीछे छोड़ना है अपन ने, सबसे पहले कौशिक ने आंसर किया, सभी लोग ये ठान लें कौशिक के पहले आंसर करें, और कौशिक आप ये ठान लें कि किसी को आपके पहले आंसर ना करने दें, बस यही कॉम्पिटिशन है, मेंटेन करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, चलें देखते हैं अब कौन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट सी राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल डेट सी। आपको बताना है कि टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू ऑफ टेन ए प्लस टेन बी। आपके ऑप्शन है, ये ए प्लस बी आता है, ये ए स्क्वायर अपॉन बी सी आता है, थर्ड ऑप्शन है बी स्क्वायर अपॉन ए सी आता है, या फिर सी स्क्वायर अपॉन ए बी आता है। विच वन इज करेक्ट, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इट। देखिए किसको बात क्लियर होती है, मतलब क्लिक होती है। ओके, सेजल लोखंडे, सेजल लोखंडे सबसे पहला आंसर किया और करेक्ट भी हो गई। जीविधा साखरे, इनकी आईडी ही अपडेटेड नहीं है, क्या करना है, कौन सी ब्रांच है, सेजल लोखंडे जेई रामदास पेट ब्रांच करेक्ट है। जीविधा अपना आईडी अपडेट करें। शाहिद, साहिल दानव रामदास पेट नीट करेक्ट, वेरी गुड साहिल। जीविदा अपना आइडिया अपडेट करो जल्दी से। सर हो गया ना? कहाँ दिख रहा है मेरे को? सर अभी नहीं। आंसर करना है उससे, जो आईडी अपडेट किया उससे आंसर करो तो मेरे को भी दिख जाएगा। ओके, जीविदा साखरे जेई इंदौरा ब्रांच करेक्ट है, वेरी गुड। तो अभी देखें कौन से ब्रांच पे सबसे ज्यादा आंसर है। तेजल लोखंडे रामदास पेट, जीविदा इंदौरा, साहिल दानव
रामदास पेट, अभिषेक कड़ू इंदौरा, कितने बच्चों का आंसर आया? मानकापुर से कोई भी नहीं है। सो ऑप्शंस से डी करेक्ट। हेलो आयुषी, क्या बोल रही हो? सो ऑप्शंस ने डी करेक्ट। लो देखो, चलिए बहुत अच्छी बात है कि हर बार चार पांच बच्चे सही जवाब दे दे रहे हैं, लेकिन सब सारे बच्चों का करेक्ट होगा? वो देखने वाली बात है। ओके, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। हर्ष टी करेक्ट है, आईडी नॉट अपडेटेड, हर्ष करेक्ट है। साहिल साहू तो एकदम चुपचाप ही है, पता नहीं कहाँ चले गए। मुर्सलिन पठान, जेईई मानकापुर, वेरी गुड मुर्सलिन, करेक्ट है। ऐसे ही अपना आईडिया, भाई कुछ बच्चे ऐसे जिनको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ सब कंप्लीट रहता है उनका, कभी बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, सारा काम एकदम कंप्लीट। जब आपने सर, देखा क्या? हाँ बोलो। अनुराग सर, मेडिकल प्रॉब्लम सर, आई एम नॉट अटेंडिंग क्लास। हाँ ठीक जाओ। चलिए सो देख लीजिए, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन, सही जवाब इसका चौथा जवाब है इसका। लास्ट आंसर मुस्लिम ने किया, और ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, विच इज राइट एंगल डेट पॉइंट सी, वर्टिक्स सी, वर्टिक्स सी पे ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, इस तरीके से था। और आपने ये बात पढ़ी है कि एंगल सी के अपोजिट साइड, एंगल ए के अपोजिट साइड, एंगल बी के अपोजिट साइड, ये अपना सॉल्यूशन। और अब यदि आप यहाँ पर टेन ए और टेन बी को कैलकुलेट करने जाएं, तो टेन ए का वैल्यू यदि आप लिखोगे ये एंगल का टेन, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बाई बी आएगा, और टेन बी यदि आप लिखोगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बी बाई ए आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट गिव्स यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और पाइथागोरस थ्योरम से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख सकते हो। सो द करेक्ट आंसर, लास्ट आंसर यश शरोदे ने किया करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक आ गया था, और उसके बाद नहीं समझ रहा था। अच्छा अभी क्लियर हो गया बेटा? हाँ। बस इतना ही लिखना था, उसके बाद एक ही टर्म बची थी, इसको सी स्क्वायर लिख देना था। हाँ। चलो खैर कोई ना, यही प्रैक्टिस होती है, इसी धीरे धीरे अपन सीखते हैं कि भाई कहाँ गलती हो गए, कहाँ तक अपना आंसर आया था। तो ये देखो बिल्कुल 99% क्वेश्चन जो है आयुषी ने सॉल्व कर लिया था, केवल 1% से वो चूक गई। पूरा यहाँ तक क्वेश्चन देखो, यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ पे अटक गए बस। चलिए खैर कोई ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सम की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं आपको दे रहा हूं तीसरा। आप इसको कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन. So moving on to the third sum. In triangle ABC, if small b 20, small c 21. एंड साइन ए 3/5 दिया है. तो आपको बताना है कि स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होगी. देन स्मॉल ए इज इक्वल टू, आपके ऑप्शन है 12, 13, 14, 15. Which one is correct? So, ये right angle triangle नहीं है क्या? नहीं, right angle कहीं भी नहीं बोला आपको. यस सरोदे सवाल कियो कि तुक्का लगा दियो. यश आवाज आ रहा है मेरा? हेलो यश आवाज आ रही है? चलिए यश सरोदे को आवाज नहीं है. ओके जीविदा करेक्ट है, वेरी गुड. हर्ष हर्ष करेक्ट है, वेरी गुड. एनडीए मानकापुर. साहिल साहिल दानो चेक करो बेटा. सेजल लोखंडे करेक्ट, वेरी गुड. साहिल करेक्ट है. अभी अभी चेक करू, करेक्ट है. ठीक है सेजल. आंचल छेंडे, आंचल छेंडे चेक करो. सेजल लोखंडे किस तरीके का चेहरा है ये? अच्छा क्या हो गया सेजल? पूर्वा चेक करो. सर कुछ नहीं, वो ऐसे सॉरी. पूर्वा कुंभलवार चेक करिए. हर सोमवार से चेक करें. क्या बात है, सबको गलत आने लगा आंसर. ओके चलिए
सबसे पहला आंसर किस बच्चे ने किया था उससे अपन राय लेते हैं क्या किया उन्होंने। तो सबसे पहला आंसर जो है यश सरुदे ने किया था बट वो है नहीं। और सेकंड आंसर जीविधा ने किया। मुस्लिम पठान करेक्ट है, जीविधा आंसर करें। कैसे सॉल्व किया इसको जीविधा? आइडेंटिटी लगाई थी cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सर मैंने भी आइडेंटिटी लगाई थी सर। ओके ओके यस ठीक है, यस भी आ गए लाइन पर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। ओके उससे क्या आया तुम्हारा? सर फिर गिवन है साइन इज इक्वल टू, हाँ हाँ बोलते जाओ सर, फिर साइन इज 3/5 cos a square is equal to 1 minus 3/5 whole square, okay then cos a is equal to 4/5, okay आगे फिर putting second law cos a is equal to c square plus b square and c square, okay upon 2cb, okay 4/5 is equal to 21 square plus 20 square minus a square upon 2 into 21 into 20. Very good. A square is equal to 400 for plus 441 minus 672. Very good. A square is equal to 169. Very good. Then a is equal to 13. चलिए very good. ये भी था साकरे, तुमने भी ऐसे ही किया है? सर पर मैं बताने वाली थी। नहीं पहले उसने आंसर किया था, वो था नहीं सर, फिर वो तुम्हें मौका गायब हो गया था। वो गायब हो गया लेकिन फिर आ गया आंसर देने के लिए। यश माइक म्यूट करें, जीविता माइक म्यूट करें। और देखिए ये इसका एक्चुअल तरीका है और बाकी इन लोगों ने आइडेंटिटी लगा के किया। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि साइन ए यदि 3/5 है तो कॉस ए 4/5 होगा। और अदरवाइज आप इसको इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे, यदि एंगल ए मैं ये लूं और साइन 3/5 दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम से बची हुई साइड 4 आ जाती है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। सर पर वो राइट ट्रायंगल नहीं है ना? हाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना? अरे भाई उसकी बात नहीं क्या, आपको साइन ए दिया ना 3/5। मैं ये वाला ट्राइंगल एबीसी नहीं, मैं इसको नाम दिया क्या कहीं? नहीं, मैं तो आपको ये दिया कि साइन ए 3/5 दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगते हैं। ये आपने पढ़ा है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होगी। मतलब ये आपका ट्राइंगल राइट एंगल में साइन ए यदि 3/5 दिया है और मैं एंगल ए वाला कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊ जिसमें साइड 3 और 5 ले लूं तो बची हुई साइड मेरी 4 आ जाएगी। तो यदि मेरे को साइन ए 3/5 दिया तो मैं उसकी हेल्प से कॉस ए का वैल्यू फोर बाय फाइव ले सकता हूं। और कॉस ए यदि हमको मिल गया, हमारे पास कॉस ए है, नाउ कॉस ए का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें डाल दीजिए, सब कुछ नोन है, केवल अननोन आपका ए है वो आ जाएगा। बी स्क्वायर 400 सी स्क्वायर 441 माइनस ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 2bc 42 84 840 कैलकुलेट कर लीजिए, अब सॉल्व कर लो उसको आ जाएगा। अब ये इसको आप फर्दर सॉल्व करना, ए स्क्वायर 169 आता होगा तो ए का वैल्यू 13 आएगा। बाकी सब कैलकुलेशन है, आप ट्राई करिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें, अभी कोई भी छोटा मोटा बड़ा कोई भी परेशानी आपको है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अच्छी बात है, अपन ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में टोटल 4 रूल कंप्लीट किए हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल। चारों रूल पर अपन ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे। लास्ट आंसर इसका सेजल लोखंडे ने किया था, 13 इज द करेक्ट आंसर। और कोई डाउट है तो आपको पूछ लो, सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। और ऐसे ही कुछ और बातों के साथ अपन मिलेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, थैंक यू सर, शुभ रात्रि ऑल।
बाय सर, थैंक यू सर, बाय 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 बेटा, बाय।